नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में संक्षिप्त रूप में जाना था। आज हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के अंग क्या होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है, उनकी संरचना क्या है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये हमारे सामने दो तरह की कोशिकाएं हैं, जिनमें ये जो पहला फिगर है ये है आपका जंतु कोशिका और ये दूसरा फिगर है ये आपका पादप कोशिका। यहाँ पर हम इन दोनों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए ये समझेंगे कि इनमें कौन से ऐसे कोशिका के अंग हैं जो इसमें पाए जा रहे हैं और इसमें भी पाए जा रहे हैं, या कौन से ऐसे कोशिका के अंग हैं जो इसमें पाए जा रहे हैं और इसमें कौन से कोशिका के अंग नहीं पाए जा रहे हैं। अब ये कोशिका के अंग होते क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। कोशिका के अंग यानी कि जैसे हम मानव हैं, हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, छोटे छोटे अंग हैं, और जिनके द्वारा हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। उसी प्रकार कोशिका में भी बहुत सारे छोटे छोटे अंगक या अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा कोशिका के समस्त क्रियाओं का संचालन होता है, और उन्हीं अंगों को हम क्या कहते हैं, कोशिका अंग या कोशिकांग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से कोशिकांग हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको बाहरी परत या स्तर दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो कि क्या हुआ है, ये पूरा जो है कोशिकांगों को चारों तरफ से घेरे हुए है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। यानी ये जो बाहरी स्तर है कोशिका का, इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली, या इसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। अब देखिए ये क्या है, ये जंतु कोशिका है, इसमें बाहरी आवरण सबसे क्या है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर ये जो केंद्र के बाहर हमको द्रव सदृश पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, ये है आपका जो सेंटर में स्थित है ये आपका केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर ये जो सदृश रूपी या द्रव रूपी पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं कोशिका कोशिका द्रव। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। अब इसके बाद आती है क्या बात, इसके बाद जो अंदर के इसमें अंग स्थित हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे प्रमुख अंग होता है वो क्या है आपका, ये जो भाग है सबसे सेंटर में जो स्थित है इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, यानी केंद्र में जो स्थित है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। अब इस केंद्र के ऊपर भी क्या है, एक आवरण लगा हुआ है, एक झिल्ली लगी हुई है जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवलप, या हिंदी में हम इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे, केंद्रक झिल्ली, इसको हम कहेंगे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर एनवलप, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको। अब इसके अंदर भी द्रव रूपी पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, द्रव रूपी पदार्थ भरा हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य, या इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्लाज्म। इसको क्या कहे थे, साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर था, यानी कोशिका द्रव्य। अब ये क्या है, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियो प्लाज्म। अब न्यूक्लियो प्लाज्म में क्या है, ये सबसे बीच का जो सेंटर में, यानी केंद्रक के भी जो सेंटर में है, ये जो नीले रूप में है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हिंदी में क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं केंद्रिका। इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रिका, यानी ये जो केंद्रक के सबसे मध्य में या सेंटर में स्थित है इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। अब ये जो आपको बीच में सफ़ेद सफ़ेद ये जो पार्ट है ये पूरा, इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन होता कैसा है, क्रोमैटिन धागे के रूप में या धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिनसे किसका निर्माण होता है, जिनसे निर्माण होता है गुणसूत्र का, और गुणसूत्र को आप जानते हैं ये हमारे क्या होता है, अनुवांशिकता के रूप में काम आता है या अनुवांशिकता में वाहक होता है। ये क्या है आपका, क्रोमैटिन, ये जो सफ़ेद पदार्थ है ये आपका क्या है, ये है आपका क्रोमैटिन। ठीक, न्यूक्लियस हमने समझ ही लिया, न्यूक्लियस क्या था, ये जो सेंटर में पूरा भाग था ये क्या था आपका, न्यूक्लियस। अब आगे चलते हैं, ये जो आपको
ये बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, ठीक है, या पावर हाउस ऑफ सेल। ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यही है आपकी संरचना, ये जो है ये क्या है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखिए ये जो संरचना है आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो पीले कलर की है ये क्या है आपकी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली भी इसे हम कहते हैं, ये आप जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं लाइसोसोम। अब आगे चलते हैं, आगे ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी सेंट्रोसोम। ये देखिए ये जो दो ट्यूबुल्स या नली के आकार के आपको दिखाई दे रहे होंगे ये क्या है सेंट्रोसोम। अब आगे केंद्र के बाहर ये जो आवरण दिखाई दे रहा है, आवरण क्या है, ये स्तर है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको हम क्या कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब ये दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसी है, दो प्रकार की हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ये जो नली के आकार का है ये कैसी है, ये है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपकी समांतर रूप में बिछी हुई हैं। अब ऐसा ही एक और भाग है, ये क्या है आपका, ये है आपका गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी एपरेटस, ये सब क्या है आपके, ये हैं, ये जो हरा वाला पार्ट है ये आपके गॉल्जी काय या गॉल्जी एपरेटस ये सब कहलाते हैं। अब ये जो देखिए ये हमने आपको क्या बताया, ये जो समांतर रूप में केंद्र के बाहर जो बिछा हुआ या केंद्र से जो जुड़ा हुआ है ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इस पे छोटे छोटे दिख रहे हैं ये काले काले जो धब्बे समान दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है राइबोसोम्स है। राइबोसोम एक और पाए जा रहे हैं कहाँ पे, ये राइबोसोम्स है, ये कैसे राइबोसोम्स है, फ्री राइबोसोम यानी ये जो मुक्त अवस्था में क्या करें कोशिका द्रव्य में घूम रहे हैं ये कैसे है फ्री राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका जंतु कोशिका के बारे में कुछ जानकारी। अब देखिए सेंट्रोसोम को हमने आपको यहाँ पे बता दिया था और सेक्रेटरी वेसिकल यानी स्रावित या श्रावण करने वाली पुटिकाएं, ठीक है, जिनके द्वारा क्या होता है श्रावण होता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। अब आगे चलते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे बाहरी स्तर जो होता है ये क्या होता है सेल वॉल, ठीक है, सबसे बाहरी स्तर क्या हो गया आपका सेल वॉल या इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, इसे हम क्या कहेंगे कोशिका भित्ति। अब आगे चलते हैं, अब इसके बाद जो अंदर का स्तर है दूसरा स्तर है इसको हम क्या कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये हमने आपको इसमें भी बताया। आगे साइटोप्लाज्म, फिर उसी की तरह ये जो केंद्रक के बाहर और ये केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव सदृश पदार्थ हैं इनको हम क्या कहेंगे साइटोप्लाज्म। सेंट्रल वैक्यूल यानी ये जो आपको दिखाई दे रही है बड़ी सी आकृति दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो आपकी बड़ी सी आकृति है इसको हम कहते हैं वैक्यूल यानी क्या, इसको हम कहते हैं रिक्तिका, इसको क्या कहेंगे रिक्तिका, ठीक है। ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पेड़ों के लिए पानी का क्या स्टोरेज रखना, या कहते हैं जो कोशिका भित्ति के द्वारा जो दाब जो इस पर पड़ता है कोशिका के ऊपर उसको नियंत्रित करना एक तरफ से। आगे ये आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ये देख रहे हैं हरे रूप का है या हरे रंग का है, ये क्या है हरित लवक के द्वारा, एक हरित लवक किसमें पाए जाते हैं पौधे की पत्तियों पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करते हैं पौधों की मदद करते हैं। आगे प्लास्टिड ये आपके लवक, ये हरित लवक भी क्या होता है प्लास्टिड ही होता है और ये भी क्या है प्लास्टिड, ये आपका लवक है। लवक का कार्य क्या है रंग प्रदान करना, लवक का मतलब रंग प्रदान करना, किसको पौधों के फूलों को फलों को इत्यादि को रंग प्रदान करना। आगे माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार फिर से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी उपस्थित है और इधर भी उपस्थित है। आगे राइबोसोम, ये देखिए ये फिर से आपकी संरचना क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर जो धब्बे के समान है ये क्या है राइबोसोम है। अब ये जो बाहर की संरचनाएं हैं ये भी क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन कैसी है एंडोप्लाज्मिक स्मूथ
कैसी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाली क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे सबसे ये देख रहे हैं, ये जो गोलाकार का है ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब केंद्रक में क्या है, हमने बताया पीछे आपको, ये जो धागे समान संरचनाएं हैं ये क्या होती हैं? ये होते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन किसका निर्माण करता है? क्रोमोसोम का यानी गुणसूत्र का। आगे इस अब केंद्रक के जो सेंटर में है ये क्या है आपकी? न्यूक्लियोलस, ठीक है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका। इसको हम क्या कहेंगे? केंद्रिका। ये हो गया आपका पादप कोशिका, और ये हो गया आपका जंतु कोशिका। एक और चीज छूट रही है, ये है आपका क्या? गॉल्जी अपरेटस। इसी तरह ये थी आपकी क्या? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब इसमें कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, कौन सी नहीं पाई जा रही हैं, इनको हम आप देखकर बता सकते हैं, ठीक है, कि इसमें जो अंग पाए जाएंगे इसमें भी जो अंग पाए जाएंगे, यानी दोनों में ये समान कोशिकांग है, और जो इसमें पाए गए या इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, जो इसमें पाए जा रहे हैं और इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, ये दोनों क्या हैं? असमान कोशिकांग, यानी इसमें नहीं पाए गए और इसमें पाए जा रहे हैं। इनकी चर्चा हम आगे जब ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हम इसको क्या सारणी बता आपको बताएंगे कि कौन से कोशिकांग किस कोशिकांग पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं। आगे अब कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं। अब कोशिकांग पढ़ेंगे हम, कोशिकांग कहाँ होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसमें? पादप कोशिकाओं में एक परत पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर। अब प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तो हो गया आपका सारा जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य सब भरे हुए हैं। अब उसके बाहर एक परत क्या है? आपकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है? पादप कोशिकाओं में है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्या होगा? ये नहीं पाई जाएगी। ये कोशिका भित्ति जो है इसकी उपस्थिति पादप कोशिकाओं में होता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अब जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होगा। पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती है? अब देखिए, पादप कोशिकाओं पाने का रीजन होता है एक, इसलिए क्योंकि हम जो मानव हैं या जंतु हैं हम क्या होते हैं? चल फिर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, या जब भी कोई भी क्या हो हमारे ऊपर विपत्ति हो या आपत्ति हो हमारे ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हम छुप सकते हैं या कहीं शरण ले सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या हैं? वो अचल हैं, वो एक जगह से हिलडुल नहीं सकते हैं, यानी कोई भी उनके ऊपर आपत्ति आए या वर्षा आए या धूप आए या कुछ भी हो तो उसके द्वारा वो अपने को खुद से सुरक्षा कर पाए। तो उसके लिए किसकी परत चढ़ी होती है इसके ऊपर? कोशिका भित्ति की, जो क्या होती है? सुदृढ़ होती है, जो कठोर होती है, ठीक है, या जैसे कोई जानवर उनको खा ना पाए, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है उसके बाहर एक परत के रूप में, एक सुरक्षा के रूप में उसको क्या रखा जाता है? किसको? कोशिका भित्ति को। आगे इसकी संरचना कैसी होती है या किससे बनी होती है? यह हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन इत्यादि से बनी होती है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मो डेस्मेटा कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मो डेस्मेटा कहते हैं। अब देख लेते हैं प्लाज्मो डेस्मेटा क्या है। पीछे का फिगर ये देखिए, ये छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमने बताया आपको सबसे बाहरी परत क्या है? ये आपकी कोशिका भित्ति। अब इसमें ये जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं यही क्या है आपकी? प्लाज्मोडेस मेटा। ये देखिए, ये है आपका ना, ये आपकी छिद्र जो है क्या है? ये सब क्या है? प्लाज्मोडेस मेटा। अब इन छिद्रों का क्या कार्य होता है? इनका कोई कार्य होगा, कोई उपयोग होगा। इनका उपयोग ये होता है कि कोशिका झिल्ली द्वारा जो भी पदार्थ स्रावित किए गए हैं बाहर की, या कोशिका झिल्ली के द्वारा जो पदार्थ अंदर से बाहर स्रावित किए जाते हैं उनको सीधे क्या करना? बाहर निकाल देना। उनको क्या करना? बाहर निकाल देना। यही कार्य होता है कोशिका भित्ति का। अब ये कोशिका भित्ति बाहर निकाल देती है, यानी ये कैसी है? परमिएबल। कैसी है? परमिएबल या पारगम्य। कैसी झिल्ली है ये? पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। अब ये आपका कुछ संरचना दी हुई है किसकी? कोशिका भित्ति की। देखिए इसके निर्माण कौन कौन भाग ले रहा है? पेक्टिन है, सेलुलोज है, माइक्रोफिब्रिल है, हेमी सेलुलोज है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। ये देखिए, ये आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे भीतरी परत, उसके ऊपर क्या हुई प्राइमरी सेल वॉल हुई, अब उसके ऊपर मिडिल लैमेला, ये परत दर परत, इसके बाद क्या आएगा एक आपकी सेकेंडरी सेल वॉल भी आती है, ठीक है। तो ये पौधों की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो पौधे बहुत ज़्यादा कठोर हैं उनमें तीनों परत पाई जाएंगी, और कोई जो पौधे नरम होते हैं जिनको नहीं ज़रूरत है तो क्या होगा उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल इन सब चीज़ों से निर्मित होती है, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया। अब एक और चीज़ कि कोशिका भित्ति पादपों के अलावा और कहाँ पाई जाती हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो पादपों के अलावा कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है आपकी फंजाई में, या इसको हम कहते हैं कवक, और किसमें पाई जाती है, और पाई जाती है बैक्टीरिया में, ठीक है, किसमें पाई जाती है बैक्टीरिया में। अब हमने जाना कि पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति इनसे बनी होती है, हेमीसेलुलोज सेलुलोज और पेक्टिन से। अब फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से, किससे बनी होती है काइटिन से। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे, पेप्टिडो ग्लाइकेन से, पेप्टिडो ग्लाइकेन से, ठीक है। यानी पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज हेमीसेलुलोज से, और फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन से, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है, और जंतु कोशिकाओं में इसके बाद ये नहीं पाया जाता। आगे इसके कार्य क्या है, इसके कार्य हैं आकृति आवरण और सुरक्षा प्रदान करना। किसको, कोशिका को आकृति आवरण सुरक्षा प्रदान करना, हमने आपको बताया कि यह क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे गैस व द्रव पदार्थों का छिद्र द्वारा बाहर निकलना, गैस व द्रव पदार्थों का छिद्र द्वारा बाहर निकलना, यानी गैस व द्रव पदार्थों क्या करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दूसरा पार्ट आपका क्या हुआ, कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति, दूसरी परत क्या आएगी कोशिका झिल्ली, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है, अब हमने देखा था पीछे किसमें किसमें थी, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन जरूर पाई जाएगी, ठीक है। यानी सारी कोशिकाओं में क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है लचीली, और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यह वर्णात्मक पारगम में झिल्ली होती है, ठीक है। अब वर्णात्मक पारगम झिल्ली की हिंदी यानी सिलेक्टिव परमिएबल कैसी मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी वर्णात्मक पारगम झिल्ली, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यह लचीली होती है, और यह क्या करती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया, या वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा गया, कोशिका भित्ति क्या थी, वो परमिएबल थी, सीधे क्या कर रही थी, सारे पदार्थों को बाहर निकाल दे रही थी। अब ये क्या करेगी, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव यानी चयन करना, क्या करती है, पहले चयन करती है कि किसको बाहर जाना है और किसको अंदर आना है, इस चीज़ का चयन कौन करेगा, ये आपकी कोशिका झिल्ली, इसलिए इसको क्या कहा गया, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सीधे बाहर नहीं निकालती है, पहले चयन करती है कि कौन सी चीज़ें कोशिका के लिए लाभदायक हैं, कौन सी चीज़ें कोशिका के लिए हानिकारक हैं, किनको कोशिका के अंदर आना चाहिए, किसको कोशिका के अंदर रहना चाहिए, सारी चीज़ों का चयन क्या करेगी, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका, अब इसके कार्य क्या हैं, कोशिका को आकार संरचना प्रदान करना, ये भी क्या करती है, कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करती है, क्योंकि सबसे बाहर सबसे पहली परत क्या होती है, ये यही होती है। उसके बाद कोशिका भित्ति, अगर अंदर से देखें सबसे पहली परत क्या है आपकी, यही है प्लाज्मा झिल्ली। आगे कोशिका द्रव को क्या करती है, बाहरी वातावरण से अलग करना, और गैस द्रव पदार्थों का परासरण और विसरण द्वारा क्या करना, बाहर निकालना व अंदर लेना। अब ये कोशिका द्रव्य को बाहरी वातावरण से अलग करती है, यानी जंतु कोशिकाओं में अगर देखा जाए तो क्या होगा, सबसे पहली परत प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। अब यानी क्या कर रही है, कोशिका द्रव्य को बाहरी वातावरण से अलग कर रही है और एक बैरियर का काम कर रही है। पादप कोशिकाओं में क्या होगा, वही एक क्या होगी, एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति भी जुड़ जाती है। आगे अब इसमें क्या है, ये भी क्या करती है, प्लाज्मा झिल्ली, मैंने बताया सिलेक्टिव परमिएबल, यानी सारे पदार्थों को अंदर और बाहर करना, यही इसका कार्य है। आगे क्या आ गया आपका,
प्रोटोप्लाज्मा, क्या है आपका प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य। अब देखिए जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा। अब जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर का समस्त द्रव पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। और सभी कोशिकांग किसमें होते हैं, जीव द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं। ये आपका कोशिका, ये आपकी कोशिका झिल्ली, ये जो बाहरी परत नीली दिखाई दे रही है ये आपकी क्या है, कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर ये जो समस्त द्रव हो, चाहे वो केंद्रक द्रव्य हो चाहे वो कोशिका द्रव्य हो, सारे द्रवों की अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा। अब एक चीज और, अब ये प्रोटोप्लाज्मा दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, हमने बात की अभी किससे, केंद्रक द्रव्य से और कोशिका द्रव्य से। कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका के झिल्ली जो है इसके अंदर, और ये जो केंद्रक झिल्ली है इसके बाहर या इसके बीच का जो पदार्थ है ये क्या कहलाएगा, कोशिका कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के झिल्ली या केंद्रक के अंदर का सारा पदार्थ या द्रव पदार्थ क्या कहलाएगा, केंद्रक केंद्रक द्रव्य। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करेंगे। यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनाएंगे, जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने सन 1839 में। इसकी संरचना कैसे होती है तो देखने से ही लग रहा है ये कैसे होगा, तरल गाढ़ा और रंगहीन और पारभासी लसलसा, ठीक है, ये तो ये ऐसा पदार्थ होता है। और जीवन का भौतिक आधार है ये जीव द्रव्य, क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार इसको इसलिए कहा गया ताकि ये, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर सारी कोशिका की या जीवन जीव की सारी सारी क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस या जैविक क्रियाएं क्या होती है, इसी में संपन्न होती है। इसलिए इसको जीव द्रव्य को क्या कहा गया, जीवन का भौतिक आधार कहा गया। इसके दो भाग हैं हमने बता दिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। निर्माण किससे होता है, निर्माण होता है जीव द्रव्य का 80% भाग किससे बना है, जल से बना है। बाकी बचा 20% भाग, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जिसमें लगभग कुल मिला कितने तत्व हैं, 30 तत्व हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा, अब इन सारे तत्वों में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा, सारे तत्वों में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसके बाद भी कई सारे तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे इसका कार्य क्या है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं क्या होती है, संचालित होती हैं। यानी जीव द्रव्य का कार्य क्या हुआ, जीव की सारी क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को संचालित करना ही जीव द्रव्य का कार्य होता है। आगे चलते हैं, तारक का यानी सेंट्रोसोम, तारक का यानी सेंट्रोसोम। अब इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एडवर्ड वान बेंडेन ने 1883 में, और थियोडोर विवोरी ने इसका नामकरण किया था 1888 में। तारका की खोज वान बेंडेन ने 1883 में की, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए कौन, थियोडोर बोवेरी, जिन्होंने क्या किया 1888 ईस्वी में इसका नामकरण किया। इसकी उपस्थिति कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, जंतु कोशिकाओं में होती है। तारक काय की उपस्थिति किसमें, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में। अब इसका निर्माण किसके द्वारा होगा, इसका निर्माण होगा सेंट्रियोल द्वारा। सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल ये इकाइयाँ होती हैं, किससे बनी है ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स से, ये दिखाई दे रहा है ये है, ठीक है। और दो सेंट्रियोल मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तारक काय का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों इस रूप में जुड़े हुए हैं तो इसके बीच का कोण कितना हुआ, ये है आपका 90 डिग्री, या ये आप सीधे देख रहे हैं कितने हैं, ये 90 डिग्री। यानी दो सेंट्रियोल मिलकर 90 डिग्री पर क्या बनाएंगे, एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। आगे इसका कार्य क्या है, समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण। यानी समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है, ये आपका सेंट्रोसोम करता है। आगे है आपका अंतःप्रदव चालिका, तो इसके बारे में साथियों कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, ये लंबा चैप्टर है, या इसको हम विस्तार से समझाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इस चीज़ का हम खासा ध्यान रखेंगे, इसलिए इसकी चर्चा हम कल करेंगे और विस्तार से करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।